गाइस पेटीएम केवाईसी यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में केवाईसी कैसे कंप्लीट होगा 2023 में, इसके बारे में आज हम जानेंगे। एक्चुअली देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ऑनलाइन केवाईसी अगर आप लोग करना चाहते हो, जो वीडियो कॉलिंग के जरिए नॉर्मली होता था, उसे आप लोग मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कंप्लीट नहीं कर सकते या मोबाइल के थ्रू या ऑनलाइन थ्रू प्रोसेस से कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन ऑफलाइन प्रोसेस में कुछ चांस है, यानी कि 50% चांस है कि आपका केवाईसी कंप्लीट होगा। वो भी किस प्रोसेस में? जब आपका मिनी केवाईसी कंप्लीट रहेगा। अब मिनी केवाईसी किसे कहते हैं, आप में से बहुत ही दोस्तों का सवाल था। तो मिनी केवाईसी एक्चुअली ये पेटीएम वॉलेट जो दिख रहा है, सेम इसे ही मिनी केवाईसी कहेंगे, क्योंकि पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट होना ये मिनी केवाईसी हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको 1 लाख तक का लिमिट मिला रहता है। लेकिन पेटीएम में जिनका मिनी केवाईसी अप्रूव्ड है, उनका पेटीएम पेमेंट्स बैंक में चांस मिल सकता है अकाउंट ओपन करवाने पर। ये पेटीएम बैंक में अकाउंट आप लोग, जब तक आपका मिनी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा। इसमें प्रोसेस क्या है कि अभी भी जो प्रोसेस ओल्ड सिस्टम है वही सिस्टम रहेगा। इजी टू रिमाइंडिंग अकाउंट नंबर, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, फास्ट स्टेटमेंट, नेट बैंकिंग, जो अपडेट मतलब पैसा आप लोग अभी सेंड करो अभी आप लोगों का पासबुक में तुरंत आ जाएगा। डिजिटल डेबिट कार्ड, फिजिकल डेबिट कार्ड दोनों मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। चेक अकाउंट ओपनिंग स्टेटस, इस पर क्लिक कर सकते हो और चेक कर सकते हो। वैसे तो हमारा जो है अकाउंट स्टेटस हमने एक नए नंबर से किया था, तो ये प्रॉब्लम केवाईसी पेंडिंग वाला आ रहा है। केवाईसी पेंडिंग वाला क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो है ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने नए अकाउंट से नए यूज़र का अकाउंट ओपन करने की कोशिश की गई, वो भी ऑनलाइन प्रोसेस से, तो ऑनलाइन माध्यम से केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप लोग ऑफलाइन प्रोसेस से केवाईसी कंप्लीट करते हो तो ये देखिए ऑफलाइन, ऑनलाइन में तो आपको इतना सारा डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन में एक ही डॉक्यूमेंट्स लगता है, जो कि आधार कार्ड है और साथ ही साथ पासपोर्ट साइज 2 फोटोकॉपी लगेगा और एक पैन कार्ड। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स लेके आपको नज़दीकी केवाईसी सेंटर पे जाना है। नज़दीकी केवाईसी सेंटर कैसे पता लगाएंगे कि किस में केवाईसी हो रहा है? तो उसके लिए एक आसान उपाय है। सबसे पहले आपको ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। ब्राउज़र में ओपन करते के साथ पेटीएम PAY पेमेंट्स BANK बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक NEAR नियर ब्रांच, डायरेक्ट आपको ये सर्च कर देना है। मैं इसका लिंक दे दूंगा। वैसे सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो यहाँ पर आपको केवाईसी सेंटर मर्चेंट एंड नियर मी, इस पर क्लिक करना है। पेटीएम के थ्रू भी जा सकते हैं या इसके थ्रू भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली आप लोग ये लिखिएगा, जल्दी मिलेगा आपको पेटीएम केवाईसी सेंटर। इसमें आपको काफ़ी फास्ट आसान ऑप्शन में मिलेगा, और यहाँ पर सबसे जो पहला वाला केवाईसी सेंटर नियर मी, और सॉरी ये तो यही वाला खुल जा रहा है, KYC ऑनलाइन हाउ टू कंप्लीट स्टेप, कंप्लीट योर KYC पॉइंट नियर मी। यस, ये वाला जो वेबसाइट है इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको पिन नंबर देने के लिए कहा जाएगा, तो चलिए हमारा जो पिन नंबर है उसे हम लोग देके यहाँ पर चेक करते हैं। पिन नंबर एंटर करने के बाद सिंपल यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जो आपको यहाँ पर जो मेन सिटी होते हैं सिलीगुड़ी, या आपको बहुत ही बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कर्नाटका, जो उस सिटीज़ में, जैसे कि हमारे यहाँ पर नियर हाई स्कूल, मैं पूरा एड्रेस नहीं बताऊँगा, कम्युनिकेशंस के खिलाफ होता है, यहाँ पर एक एड्रेस दिया गया। इसमें अभी KYC हो रहा है ऑफलाइन प्रोसेस से, अगर KYC नहीं होता तो ये एड्रेस नहीं दिखाया जाता। यहाँ पर देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक .KYC, यहाँ पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने अभी आपके सामने लाइव, यू विल बी नीड यू प्रोवाइड योर आधार एस पैन फॉर KYC वेरिफिकेशन, हमारा जो है आधार और पैन जरूरत पड़ेगी, लेकिन 2 फोटोकॉपी भी कंपलसरी है, ऑफलाइन प्रोसेस से KYC होगा, इसीलिए पहले ऑनलाइन प्रोसेस से होता था। इसका वेबसाइट का मैं लिंक आपको दे दूंगा, डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुँच जाइएगा आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो वरना आप लोग गूगल में आकर डायरेक्ट लिखिएगा। पहले ये ऊपर आता था KYC, पेटीएम KYC सेंटर लिख के आपको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा जाना और ये वाला वेबसाइट ओपन करना है, कंप्लीट योर KYC विथ आधार एट KYC पॉइंट नियर मी, इसे सर्च करेंगे तो आप लोग काफ़ी आसानी से पहुंच जाएंगे आप अपने ओरिजिनल KYC सेंटर पर, जहां पर आपका KYC किया जाएगा। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाने पर कुछ इस तरह का वहां पर आपके प्रोफाइल में दिखाया जाएगा कि KYC वेरीफाइड, आपका KYC सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। उसके बाद नीचे जो है आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, वॉलेट के एक्टिवेशन प्रोसेस दिखाया जाएगा, और मिनी KYC में आप लोग देख सकते हैं कि
हमें जो है 1 लाख तक का मंथली लिमिट दिया गया है जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वॉलेट में दिया जाता है। वॉलेट में मिनिमम जो है पहले कम रहता था अगर पैन कार्ड ऐड नहीं करने पर, अब जो है 1 लाख तक का लिमिट मिलता है आपको मंथली लिमिट आप लोग, यानी कि 1 साल में आपको 12 लाख का लिमिट सिर्फ पेटीएम वॉलेट में हो जाता है। अगर मिनी केवाईसी भी आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग वॉलेट से ही सभी काम कर सकते हो, क्योंकि आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि वॉलेट भी आप लोग इंटरनेट बैंकिंग चला सकते हो वॉलेट के थ्रू। और अगर इस तरह का केवाईसी अगर पूरा कंप्लीट हो जाता है तब तो आप लोग का बल्ले बल्ले ही है, क्योंकि आप लोग फुल केवाईसी कंप्लीट होने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नेट बैंकिंग से लेकर मोबाइल बैंकिंग से लेकर स्कैन और पेमेंट से लेकर सभी कुछ यूज़ कर पाएंगे। ई मैंडेट की फैसिलिटी आप लोग कहीं से अगर EMI करवाते हो तो आप लोग सभी कुछ कर पाओगे इसी ऐप के थ्रू। मतलब काफ़ी अच्छी अपडेट है पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग सभी बैंक में नहीं होता और ये पेमेंट्स बैंक होकर फर्स्ट टाइम ऐसे लॉन्च किया है कि इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की KYC कैसे 2023 में कंप्लीट किया जा सकता है, किस किस प्रोसेस में अप्लाई करने के बाद हो सकता है। अगर आपके एरिया में अगर आपका जो पिन कोड दी अगर KYC सेंटर नहीं दिखा रहा है तो आप लोग नेक्स्ट KYC सेंटर दूसरा मतलब आपका जो सिटीज़ वाला पिन कोड होगा उस पिन कोड को दीजिएगा, उसमें 100% होगा और वहाँ पर विजिट करके KYC कंप्लीट करना पड़ेगा, ऑनलाइन प्रोसेस से KYC कंप्लीट नहीं होगा। मिलते हैं आपके से अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के वीडियो को बस यही हम समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।